स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज हम रेशियो फार्मूला प्रूव करने फॉर एक्सटर्नल लीनियर। इससे पहले हमने जो प्रूव किया था वो था इंटरनल लीनियर। अब दोनों में डिफरेंस मैंने उस वक्त भी बताया था, अब फिर बता रहा हूँ कि हमारे पास हमने दो पॉइंट दिए ए और बी एक्स वाई प्लेन में। ये बात हमने लिख दी, टेक टू पॉइंट्स ए एंड बी इन एक्स वाई प्लेन। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स मिल गए। अब इंटरनल लीनियर में क्या होता है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा होता है जिसको हम पी का नाम देते हैं, वो ए और बी के दरमियान में किसी जगह पर मौजूद होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहते हैं ये डिवीजन जो है इंटरनल है। और अगर पॉइंट पी बी के राइट साइड पर हो या ए के लेफ्ट साइड पर हो, दोनों सूरतों में जो डिवीजन होगी वो एक्सटर्नल डिवीजन होगी। तो अब हमने क्या किया, पॉइंट ए को बी से मिला दिया। अब हमने क्या कहा है कि पॉइंट पी हमने लिया जो ए और बी को डिवाइड कर रहा है के वन रेशो के टू में। ये बात हमने लिख भी दी, लेट पी एक्स वाई डिवाइड्स जॉइन अ पॉइंट्स ए एंड बी इन रेशो के वन के टू एक्सटर्नली। मतलब या तो ए के लेफ्ट पर होगा ये या ए के बी पर होगा। हमने इसको ए के राइट साइड पर लिया है, ठीक है, ये हमने लिख लिया पी एक्स वाई। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोसीजर सारा वही है जो हमने पहले किया। फर्क क्या था, ये वाला पॉइंट पी पहले यहाँ दरमियान में था, अब बाहर चला गया। अब पॉइंट ए बी और पी से एक्स एक्सिस के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। हमने पॉइंट ए से एक्स एक्सिस पर ए एम परपेंडिकुलर ड्रा किया, बी से बी एन परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर ड्रा किया, पॉइंट पी से पी क्यू परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर ड्रा किया, और यही बात हमने लिख दी। फ्रॉम पॉइंट्स ए बी एंड पी ड्रा ए एम बी एन एंड पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। उसके बाद पॉइंट ए से पी क्यू के ऊपर हमने ए सी परपेंडिकुलर ड्रा किया, और ये ए सी बी एन को पॉइंट एल पर मिलता है, ये हमने कहा, यही बात लिख दी हमने। आल्सो ड्रा एसी परपेंडिकुलर, ये देखना एसी है क्या है, परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, यही हमने लिख दिया। और हमने क्या कहा कि ये जो एसी है और बी एन है, इनका जो कॉमन पॉइंट है वो एल है, तो यही बात लिखी हमने, एसी मीट्स बी एन एट पॉइंट एल। तो अब इस तरीके से हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गई है, ए पी सी एक राइट एंगल हो गई, और दूसरी ट्रायंगल क्या बन गया ए बी एल। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, और दोनों जो है ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स कौन सी होती हैं, ऐसी ट्रायंगल्स जिसमें दोनों ट्रायंगल्स के जो साइज हैं वो तो डिफरेंट हों लेकिन उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों। जैसे अब यहाँ पर इस ट्राइंगल में एंगल ये 90 का है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 90 का है, दोनों सेम हो गए। ये पॉइंट ए दोनों ट्रायंगल में मौजूद है इसलिए ये एंगल भी सेम हो गया, क्योंकि ए पर जो एंगल बन रहा है ए पी क्यू सी ए पी सी ट्रायंगल में भी मौजूद है और ए बी एल ट्रायंगल में भी मौजूद है। उसके बाद ये वाला एंगल, ये दोनों ये भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ट्रायंगल के दो एंगल्स बराबर हैं, तो लाजिम बात है थर्ड एंगल भी बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो इस तरीके से ए बी एल और ए पी सी, ये तीनों दोनों क्या हो गई हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हो गई हैं। और सिमिलर ट्रायंगल्स की ये प्रॉपर्टी है कि उनके जो साइड्स में जो इजाफा होता है या जो कमी होती है वो सेम रेशो से होती है। हमने देखा कि ट्रायंगल ए पी सी और ट्रायंगल ए बी एल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, और हमने शुरू में कहा था कि पॉइंट पी जो है ए बी के जॉइंट को के वन रेशो के टू में डिवाइड कर रहा है। तो अभी पी का ए से जो डिस्टेंस बनेगा वो होगा के वन, पहले भी हमने यही किया था, पी का ए से डिस्टेंस के वन, अब पी का बी से जो है वो के टू। तो हमने यहाँ पर लिखा K1 रेशो K2। अब K1 क्या है, यहाँ पर फिगर के मुताबिक AP है, और K2 क्या है BP है, तो वही हमने लिख दिया, लेंथ ऑफ AP ओवर लेंथ ऑफ BP। अब क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स की रेशो
एक ही तरीके से एक ही अंदाज में बढ़ती है। तो इसलिए ये जैसे हमारे पास है एपी इधर, तो इस एपी का प्रोजेक्शन क्या बन रहा है एसी, तो हम एपी की जगह एसी लिख सकते हैं, वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास है बीपी, ये इसका प्रोजेक्शन क्या बन रहा है एलसी, वो हमने लिख दिया। अब सारा कमाल ये बैलेंस फिगर है, इस फिगर को देखते हुए हम अपने काम को कर रहे हैं। अब ये एसी है हमारे पास ये, अब एक रेक्टेंगल बन गई हमारे पास, आप देख रहे हैं रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इस एसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं एमक्यू, वो हमने लिखा एसी की जगह एमक्यू। अब हमारे पास यहाँ पर एलसी, ये एलसी है तो ये एक रेक्टेंगल है, वही अपोजिट साइड इक्वल, एलसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं एनक्यू, वो हमने लिख दिया। हमने ये वाला एनक्यू अब फिगर से देखना है और इसको इस तरीके से लिखना है कि ओरिजिन इन्वॉल्व हो जाए। ये है एनक्यू, अब ये टोटल है ओ क्यू, ओरिजिन शामिल हो गया। इसी तरह ये ओ एम माइनस हो जाए इस टोटल में से, ओ क्यू में से ओ एम को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा एम क्यू, तो वही हमने लिखा एम क्यू की जगह लिख दिया ओ क्यू माइनस ओ एम। अब यहाँ नीचे क्या है एन क्यू, ये एन क्यू है, इसको भी इसी तरह लिखना है कि ओरिजिन इन्वॉल्व हो, ये ओ क्यू माइनस ओ एन कर दें, ठीक है जी। ये एन क्यू हमें चाहिए, टोटल है ओ क्यू, उसमें से ये ओ एन माइनस कर दें तो हमारे पास एन क्यू आ जाएगा, वो हमने लिख दिया। अब फिगर के मुताबिक ओ क्यू, ये है ओ क्यू, तो ये ओ क्यू क्या है पॉइंट बी का एक्स कंपोनेंट है, यानी कि ओ क्यू की जगह आप एक्स लिख देंगे। अब ये ओ एम है, ये ओ एम है, ये पॉइंट बी का एक्स कंपोनेंट है, तो ये एक्स वन है, तो यहां पर हमने एक्स वन लिख दिया। अब ये ओ क्यू, ये है जी ओ क्यू, ये पॉइंट पी का एक्स कंपोनेंट है, ओ क्यू की जगह एक्स आ गया। अब ये ओ एन, ये ओ एन है, तो ये एक्स कंपोनेंट पॉइंट पी का एक्स टू आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, फिर उसके बाद ये वाला के टू एक्स माइनस एक्स वन से मल्टीप्लाई हो गया और के वन एक्स माइनस एक्स टू से। अब इस के टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा के टू एक्स माइनस के टू एक्स वन, राइट साइड पर क्या होगा के वन एक्स माइनस के वन एक्स टू। अब ये जो एक्स वाली टर्म है इसको लेफ्ट साइड पर ले आए और ये जो बगैर एक्स वाली टर्म है लेफ्ट साइड पर इसको राइट साइड पर ले दें, तो ये वाला के टू एक्स ये लेफ्ट साइड पर आकर हो गया माइनस के वन एक्स, इसको राइट साइड पर ले गए तो के टू एक्स वन हो गया और ये वाला माइनस के वन एक्स टू आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ से एक्स को कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर एक्स इंटू के टू माइनस के वन, फिर के टू माइनस के वन से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स हमने कॉमन लिया लेफ्ट साइड से, फिर ये हमारे पास क्या बन गया के टू माइनस के वन, इससे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब अगर हम पॉइंट ए बी और पी से वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें और वो तमाम अमल रिपीट करें जो हमने x के लिए किया है तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। हमने ये x निकाला था, क्या होगा इस x की जगह y आ जाएगा, ठीक है जी। लेफ्ट साइड पर भी x की जगह y आ गया, राइट साइड पर भी x की जगह y आ गया, तो पॉइंट P हमें मालूम हो गया, x की वैल्यू हमने डाल दी और y की वैल्यू डाल दी। अब इसमें जो याद रखने वाली बात है, पहली बात तो ये कि हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया और दूसरी बात अब याद रखने की ये है कि ऊपर अगर आपने के टू पहले लिया तो नीचे के टू पहले आएगा, अगर आपने ऊपर के वन पहले लिया तो नीचे भी के वन पहले आएगा और दरमियान में यहाँ पर माइनस आएगा। हमारा ये रेशो फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। अब इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। तो वहां पर इंटरनल डिवीजन के लिए जब हमने काम किया था इस माइनस की जगह पर प्लस था, नीचे भी प्लस था और ऊपर भी प्लस था, यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस क्यों आ रहा है? तो वहां जब हमने काम किया था, ये मैंने बनाई है फिगर, तो P जो था पॉइंट A और B के दरमियान था, ठीक है जी। P का P से निकालो, A से हम P पर गए यानी कि AP, और फिर P से गए B पर, PB बन गया यानी कि सेम डायरेक्शन में गए, इसलिए क्या था रेशो पॉजिटिव थी। यहां पर क्या हुआ P से A पर आए फिर B से P पर गए तो डायरेक्शन चेंज हो गई ना, P से A समझो लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं
बी से भी समझो राइट साइड पर जा रहे हैं, तो डायरेक्शन क्या हो गई है, अपोजिट हो गई है, और डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये वाला नेगेटिव साइन आ रहा है, यानी कि एक्सटर्नल इवेंट में डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, इसलिए साइन क्या आ रहा होता है, नेगेटिव आ रहा होता है, और इंटरनल इवेंट में सेम डायरेक्शन रहती है इसलिए साइन पॉजिटिव आ रहा होता है। तो ये बात आपने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। उसके अलावा और आपने क्या याद रखना है कि ये जो रेशियो फार्मूला है इसमें हमने पॉइंट ए बी और पी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिए हैं। अब अगर हम ये पॉइंट फर्स्ट की बजाय सेकंड क्वाड्रेंट में ले लें, थर्ड क्वाड्रेंट में ले लें, फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लें, या कोई से दो क्वाड्रेंट में ले लें, एक पॉइंट एक क्वाड्रेंट में हो दूसरा दूसरे क्वाड्रेंट में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हम उसको प्रूव करेंगे यही चीज हमारे पास आएगी, बेशक इंटरनल डिवीजन के लिए कह रहे हो बेशक एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, पॉइंट्स की लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस क्वाड्रेंट में पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं, इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।